गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं 3x^4 + 3x³ - 2x² - 10x - 5। अब इस क्वेश्चन में जो डिवाइड करने के लिए इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -5/3, तो हमें पहले क्या बनाना है, हमें पहले फैक्टर की फॉर्म में बनाना है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास हम लिखेंगे गिवन, तो हमारे पास गिवन रहता है 5 √5/3 - √5/3। तो हम 5/3 को जो दोनों जीरोस हैं वो राइट कर लेंगे। हमारे पास दिया है √5/3 एंड -√5/3। हमें इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। हम फैक्टर्स बनाएंगे इनके, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें राइट करना पड़ेगा। एक बार x मान लेंगे तो 5/3 आ गया, और दूसरी बार x माइनस, तो ये माइनस एक और था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5/3 आर फैक्टर्स। ये हमारे पास दोनों क्या है, फैक्टर्स। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फॉर्म बन जाती है कौन सी, a - b, a + b। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² तो √ से स्क्वेयर कट हो जाएगा, तो हमारे पास 5/3 बचा, x² - 5/3 आ गया। ये हमारे पास पॉलीनोमिक इक्वेशन का एक फॉर्म आ गया है, तो अब हमें इसको इन दोनों को कंपेयर करके डिवीजन निकालना है, उससे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो निकल जाएंगे। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। दोबारा से हम x² - 5/3 यही राइट कर लिया, और 3x^4 राइट किया, 6x³ + 2x² - 10x - 5। हमने ये दोबारा से राइट कर लिया है। तो हमें पहले निकालना क्या है, 3x^4। हम अगेन जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे, राइट कर लिया। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, एक तो 3 से करना है और 3 से, और क्या x^4 है, तो यहां स्केयर है, तो x² से मल्टीप्लाई किया, तो 3x^4 हो गया। जब 3x इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, 5x². तो अब हम 3x^4 के जो 4 लिखा -5x², तो x² यहां है, तो हमारे पास आ गया -5x² माइनस प्लस मल्टीप्लाई किससे किया, 3x², ये 4 था वो कट गया, 6x³ जैसे था वैसे ही आ गया, प्लस 5 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3x² बचेगा, 10x - 5 आ गया। अब जो नेक्स्ट रहता है हमारे पास वो है 6x³। तो अब हमें दोबारा से मल्टीप्लाई करना है 5/3। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x से करेंगे, तो 6x³ आ जाएगा, और 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 × 5 × x, तो 6x³ × 10x, तो हमारे पास क्या आ गया, 6x³ - 10x। हमें लिखना है 6x³, अब माइनस का 10x है, तो ये -10x यहां पे। अब मल्टीप्लाई किससे किया, 6x से, प्लस का था तो 6x ही लिखेंगे, तो जो माइनस किया तो दोनों का क्या आ गया, माइनस साइन चेंज किया, प्लस ये कट कर लिया, 10x से 10x कट हो गया, हमारे पास क्या बचता है, 3x² - 5, हमारे पास बचा 3x² - 5। हम लास्ट में दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल किससे, 3 से, तो 3x² बचेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा और 5 आ जाएगा,
तो हमारे पास हमने प्लस के थ्री से लास्ट मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x² - 5 माइनस प्लस कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज आ गए हैं, हमें अब नेक्स्ट फैक्टर बनाना है। तो अब हम राइट करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किससे किया, x² - 5 5/3 और साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट रहा वो रहा 3x² + 6x + 3। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 3x² - 5/3। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन से 3 बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर आ गया तो हमारे पास अंदर बचा x² + 2x + 1। 3 से 3 कट कर दिया, 3x² - 5 एंड x² + 2x + 1 आ गया। हम इसके बाद अगेन फैक्टर्स बनाएंगे, जब हम x² + 2x + 1 के फैक्टर बनाएंगे, x² + 2x + 1 इसके फैक्टर बनाने के लिए हमने सिंपली x² लिखा, x + x + 1, यहां से x बाहर x + 1 आ गया, यहां से +1 x + 1, तो x + 1 बचा और x + 1 बचा, जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, x + 1 एंड x + 1। तो अब हम राइट कर लेंगे, 3x² - 5 x + 1 x + 1। अब लास्ट में क्वेश्चन में लिखा था कि हमें जीरोस के बराबर भी कंपेयर करना है, तो हम जब जीरो के बराबर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब हमने जीरो के बराबर पूरा के पूरा कंपेयर कर दिया, तो जो फर्स्ट वाला है वो एक बार x की वैल्यू क्या जाएगी -1 एक बार +1, और जो x² है x² - 3x² - 5 = 0 उसका आंसर आ जाएगा, ये मैं यहां राइट कर रहा हूं, तो 3x² - 5 = 0 x² = 5 x² √5/3, तो x की वैल्यू आ गई +-√5/3। तो हमारे पास x के 3 फैक्टर्स बन चुके हैं, एक 5/3 है और 5/3 को हम √ को 2 times राइट कर सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ओवर हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हमने क्वेश्चन राइट कर दिया, हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के वैल्यूज ही राइट किए हैं। हमारे पास लिखा है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वो दोनों राइट कर लिए हैं। हमारे पास है एक बार x - 2, जो रिमाइंडर है वो -2x + 4। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। तो हम राइट करेंगे, पहले 9th क्लास के जैसे ही क्वेश्चन है, हम राइट करेंगे px = x³ - 3x² + x + 2। हमने राइट कर लिया x³ - 3x² + x + 2। अब हम qx मान लेंगे, qx आ गया हमारे पास x - 2 एंड देन मानेंगे हम gx आ गया हमारे पास -2x + 4। हमने सारे के सारे वैल्यूज अपने हिसाब से राइट कर लिए, तो हमारे पास एक फॉर्म रहता है px = अब हमें कुछ पढ़ लेते हैं, पहले बाहर d होता है यहां q, इसको d1 मान लिया, ये डिवाइजर होता है डिविडेंड, लास्ट में
रिमाइंडर बचेगा। फॉर्म याद रखनी है कौन सी, ये वाली q अपॉन डी आर। तो हमें जब भी आंसर निकालना हो क्या डी वन, तो डी वन इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर, ये वाला फॉर्म है। तो हमारे पास जो डी वन रहता है वो सारा की सारा ये है, डी वन क्यू, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये रही। हमें निकालना क्या है डी, तो डी यहां कहीं भी दिया नहीं, हम डी को क्या मानेंगे, डी को आर एक्स मान लेंगे, जी एक्स मान लेंगे, हम मान लेते हैं डी क्या मानना है हमें यहां पे, डी इक्वल टू जेड एक्स कर दिया, डी क्या है हमारे पास जेड एक्स। तो अब हमें जब लिखना है तो हम लिखेंगे जी एक्स, हम लिखेंगे क्यू एक्स मल्टीप्लाई, क्यू एक्स को मल्टीप्लाई किया क्यू, तो ये था क्या क्यू एक्स, एक्स माइनस क्यू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे डी, तो डी क्या है हमारे पास, मैंने डी को जेड एक्स माना है, हमने डी क्या मान लिया जेड एक्स। अब आर कितना है हमारे पास, आर, आर की वैल्यू मैंने जी एक्स मान के रखी है पहले से, हमने वैल्यू फिल कर लिए सारे के सारे, हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो राइट करेंगे पी एक्स माइनस जी एक्स, यहां से इधर आ गया तो जी एक्स की सब्सट्रैक्शन कर ली, तो क्यू एक्स मल्टीप्लाई जेड एक्स आ गया। तो अब जेड एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद तो आ जाएगा हमारे पास, मुझे जेड एक्स निकालना है ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा पी एक्स, पी एक्स माइनस जी एक्स अपॉन क्यू एक्स, मुझे अब सारे के सारे वैल्यूज फिल करने हैं, तो हम फिल करते हैं जेड एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास पी एक्स की वैल्यू ये थी राइट किया एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, जी एक्स क्या मारा था हमने, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी माइनस ब्रैकेट में माइनस टू एक्स प्लस फोर, एंड अब क्यू एक्स की एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, हमने जो नीचे वाली फॉर्म थी उसी के जैसे दोबारा से राइट कर लिया। अब हम पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके बाद डिवीजन, हमने राइट किया एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब माइनस किया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस टू, हमारे पास नीचे रहता है मैंने स्लैश करके लिख लिया एक्स माइनस टू, जब एक्स माइनस टू आया तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक बार एक्स इधर है एक बार इधर है, टू से जब एक एक्स माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा, माइनस का आ गया, टू से जब फोर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का फोर, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का गया, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू आ गया, एक्स माइनस टू। अब हमें डिवाइड करना है लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे, हमें सारा की सारा राइट करना है। सॉरी यहां पे प्लस का है, इधर भी प्लस का, और यहां पे थ्री एक्स का है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दोबारा देख लो एक बार, जब ये माइनस अंदर गया तो प्लस का हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एक्स क्यूब एज इट इज लिख की माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, जो एक्स है दो एक्स में ऐड किया थ्री एक्स हो गया, ये जो टू है टू माइनस फोर किया तो माइनस का फोर आ गया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड के लिए हमें दोबारा से डिवाइड वाली फॉर्म में राइट करना पड़ेगा,
हमने लिखा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो बाहर राइट करेंगे x माइनस टू। हमें अब डिवाइड करना है, पहले हमें x माइनस टू को डिवाइड करना है किससे, x माइनस टू हमें डिवाइड करना है तो x क्यूब आना चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करो कर, हो गया। अब उसके बाद जब थ्री एक्स स्क्वायर है और टू एक्स स्क्वायर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस थ्री एक्स माइनस टू, हमें अगेन मल्टीप्लाई किससे करना है, अगेन मल्टीप्लाई हमें एक्स माइनस टू को सिंपल माइनस एक्स से करना है, तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ जाता है। अब हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, पहले एक्स स्क्वायर से, दूसरी बार माइनस एक्स से, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस माइनस एक्स बचा हुई प्लस का एक्स माइनस टू। अब हमें अगेन मल्टीप्लाई प्लस वन से किया मैंने, एक्स माइनस टू आ गया, ये माइनस ये प्लस कट के रिमाइंडर जीरो है, तो हमने वैल्यू निकाल ली, हमारे पास जो आंसर आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वैल्यू किसकी थी, जेड एक्स की। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।